Hello students, welcome to our channel EduTeach and this is the video for class 9 students. हमने अपना chapter 1 start किया हुआ है जिसमें हमने अपनी first video cover कर ली है. हमने समझ लिया था what is matter, matter क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या features होते हैं, ठीक है, particles से मिलके बना हुआ होता है, small particles होते हैं, matter क्या होता है, जो कि जिसके पास कोई mass होता है, जो कि कोई space cover करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. तो हमारी जो सेकंड वीडियो है अभी इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब जो हमने ये सीख लिया था फर्स्ट वीडियो में कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस पार्टिकल्स, कि जो वो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर को बनाते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके पास ना स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन दैम. How? Space between them, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से समझना क्योंकि समझ लोगे तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर को बनाते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, ठीक है, अब वो कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे. उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, अब वो भी वैरी करता है कि वो कितने ज्यादा मूव करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू स्टेट ये वैरी करेंगी यही कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मैटर की होंगी. उसके बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर. अब ये भी वैरी कर सकता है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम ज्यादा हो सकता है. तो हमने क्या देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होगा, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको. इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि खैर ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रही हूँ इसके बारे में. स्टेट्स ऑफ मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हम इन तीनों के लिए देखेंगे, समझ में आया, ठीक है, कि किसमें कितनी ज्यादा स्पेस होती है या किसमें कितनी ज्यादा कम स्पेस होती है, किसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके अंदर कम होता है या किसके अंदर नेग्लिजिबल होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. अभी तक बस आपको यही समझना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, दैट इज have space between them, continuously moving and attract each other. अब हम जो हमने अभी तक जितने भी टॉपिक कर लिए हैं, what is matter, what are the characteristics of matter, उनके basis पे आपके in-text question दिए हुए हैं, चार in-text question on page number 3. Page number 3 पे कुछ in-text question दिए हुए हैं, please उनको देखो एक बार आप, ठीक है. First question कहता है which of the following are matter, कि इन इन में से क्या matter है, chair matter है, yes, chair is a matter, chair स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका मास भी है. एयर मैटर है, सबसे पहले है चेयर, फिर है एयर, ठीक है, उसके बाद है लव, स्मेल, उसके बाद है आपका हेट, आलमंड्स, थॉट, उसके बाद आपका दिया हुआ है कोल्ड, लेमन, उसके बाद है वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. वॉटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. अब देखो क्या ये मैटर है, कैसे हमें पता है एक फीचर मैटर का, मैटर हैव स्पेस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास, ठीक है, हमें ये चीज पता है. अब चेयर पे के पास मास भी है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, एयर भी करता है, क्या लव करता है, लव का कोई मास है, तुम नाप सकते हो कि आप किसी से कितना प्यार करते हो, नहीं, तो ये एक मैटर नहीं है. सही, स्मेल को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हेट को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आलमंड है मैटर, यस, थॉट्स हैं मैटर, नहीं है, कोल्ड है, नहीं है, लेमन है, यस है, वाटर है. अब आप ये बात आती है स्मेल ऑफ परफ्यूम की. अब देखो जब तुम क्या करते हो, एक कोने में स्प्रिंकल करते हो थोड़ा सा अपने परफ्यूम, चाहे अपनी बॉडी पे ही क्यों ना लगाया हो, दूर तक पता चल जाता है हाँ बंदे ने सेंट लगाया है, परफ्यूम लगाया है. कैसे पता चल जाता है, क्योंकि अब देखो जो एयर है दैट इज अ मैटर,
ठीक है, उसके पास क्या है, हाफ स्पेस बिटवीन है और उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। तो जो परफ्यूम है हमारा वो एक मैटर है, ठीक है, जब हमने उसको प्रेस किया, स्प्रिंकल किया, तो क्या हुआ, उसके कुछ पार्टिकल एयर के पार्टिकल्स में बीच में चले गए और वो कंटिन्यूअसली मूव होते हुए दूर तक चले गए, जिससे कि साथ वाले बंदे को भी पता चल गया कि हाँ किसी ने परफ्यूम लगाया। अभी समझ में आया, यही एक नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो कोई हमारा जो स्मेल है वो नहीं है, स्मेल जो है वो हमारा कोई मैटर नहीं है। इसी तरीके से जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जो स्मेल है ऑब्वियसली परफ्यूम जो है गैसियस फॉर्म में हो गया है बाहर, एंड गैस इज अ मैटर, ठीक है, लेकिन हम स्मेल को नहीं कह सकते, वो हमारा हमें हमारी सेंस है, हम कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट अ मैटर। समझ में आया। तो इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो स्मेल है हॉट सिजलिंग फूड की, तुम्हें अलग दूर दूर से पता चल जाती है किसी के घर में हलवा बन रहा है, कहीं पे जलेबियां बन रही है, ठीक है, तो ऐसा होता है, पता चल जाता है हमें। लेकिन ठंडा फूड जब हम रखते हैं बाहर उसकी स्मेल हमें नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है। अब बेटा जो बात थी हमारी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, उनके अंदर कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि वो कंटिन्यूअसली जिग-जैग मोशन करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का यही क्वेश्चन है कि जो जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज को, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो मूविंग है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाती है, तो हमें स्मेल आराम से पता चल जाती है। लेकिन जब कोल्ड फूड है यानी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और हमें वो जो मूविंग है, जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे, वो इतना फास्ट मूव नहीं कर पाएंगे कि दूर तक उसकी स्मेल पता चल जाए हमें। समझ में आया। तो यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यूसली कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये वाला पॉइंट कवर कर रहा है इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि एक डाइवर है वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है और अंदर चला जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हैव स्पेस बिटवीन देम, जो अगर वो आइस के अंदर कूदेगा तो क्या जा सकता है वो अंदर, डाइवर नहीं जा सकता, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वो बहुत ही पास पास है, उनमें इतना स्पेस नहीं है कि हम अंदर घुस सके। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े ही दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस इतना होता है कि हम अपनी स्पेस उनके अंदर बना लेते हैं। समझ में आया। इसमें क्या पॉइंट कवर करेगा कि हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमने पूरा आज यही वीडियो में कवर किया है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मेरे को लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई है तो वीडियो को वापस से प्ले करो और दोबारा से सुनो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा तो जब भी हम लाइव सेशन लेंगे तो आप उस दौरान मुझसे कंसल्ट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।